Marriage ceremony in Betul district of Madhya Pradesh that was hosted under the aegis of the state government. 350 tribal women were reportedly put through virginity and pregnancy tests. Would-be brides were asked to go through an embarrassing situation prior to their taking vows on their marital relation. It was learned that this directive was issued to confirm their eligibility to get married. Under a state scheme, the expense of the essentials were to be given to the brides so that they could start their newly married lives. However, when some prospective brides were found pregnant, they registered and they were asked to return the items presented to them as wedding gifts. शादी नहीं हुई हो या pregnant नहीं हो, मतलब इसी तरह का चेक किया है या जिसकी पहले से शादी हो चुकी है, इस तरह की यदि कोई अपन को दिखता है तो उसको हम लोग जो है इसमें से कम मैडम जी 10 मिले 10 मिले हैं जी क्या उनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया जी हाँ उनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया उनसे जो उनको सामान दिया गया था वो वापस ले लिया गया क्या निकला उनकी रिपोर्ट्स जी उनकी रिपोर्ट्स में अब ये जैसे सिस्टर स्वास्थ्य विभाग वालों ने चेक किया तो पता चला कि कुछ लेडी से प्रेग्नेंट थी हाउएवर आरके सिंह सर्कल ऑफिसर ऑफ हरद विलेज डिनाइड द एलिगेशंस एंड टर्म देम एज अटरली फॉल्स बाय रिटरेटिंग नो सच टेस्ट्स वर कंडक्टेड कोई मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ है मेडिकल केवल इसलिए कि अगर किसी को स्वास्थ्य कोई चक्कर आ जाए बुखार आ जाए भाई बहुत बड़ी भीड़ का कार्यक्रम रहता है शायद कोई किसी को द टॉप ब्रास ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसर्टेड दैट देयर वर नो ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू कंडक्ट दीस टेस्ट्स जी नहीं इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं है और ये बात अभी आप ध्यान में लाए हो एक आध व्यक्ति ने और ने मुझे फ़ोन पर बताया तो अब इससे मुझे पता चला है इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं